फ्लाइट में? कुमार फ्लाइट में इतनी मस्ती? हमने केला खा लिया, फिर भी तो खा लिए, वाह इतनी भूख लगी है, वाह मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे कुछ खाओ ना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा आज मैं चीट कर रहा हूँ और यहाँ की स्पेशल कुछ ऐसे अलग सी पानी पूरी है यहाँ पे, जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ मिलती है वैसे ही नहीं है, तो ये ट्राई करते हैं। इसने काफी कुछ पड़ा है, दूसरे में अच्छा है तो दोस्तों जैसे आपने उन्होंने देखा दीपिका शोएब और रूहान गए हैं बैंगलोर, और बैंगलोर में वो स्पेशली गए थे किसी काम के लिए, और जो उन्होंने वीडियो में भी बताया है कि वो आदिवासी हेयर ऑयल के प्रमोशन के लिए गए थे, वहाँ पर उन्हें स्पेशली इनवाइट किया गया था। और आपने देखा वीडियो में कि आदिवासी हेयर ऑयल जो है आजकल सभी लोग यूट्यूबर जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, सभा ने भी प्रमोट किया था, फराह खान और बाकी लोगों ने भी सभी ने उसे प्रमोट किया है। तो आपको आपके इस ऑयल के बारे में क्या रिव्यू है, आपने इसे यूज़ किया है या नहीं, और आपको क्या इसमें आपका ओपिनियन है, आपका आपको ये यूज़ करने के बाद कैसा लगा है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए इसमें। और आपने ये भी देखा कि रूहान जो है फ्लाइट में उसने बहुत इन्जॉय किया, और क्योंकि शोएब को हमेशा जो है फ्लाइट में डर लगता है, लेकिन रूहान जो है कम्प्लीटली अपोजिट है, और दीपिका बहुत इन्जॉय करती है, तो रूहान इस मामले में बिल्कुल अपनी मामा पर गया है, दीपिका पर गया है, तो इसलिए उसने जो है बहुत इन्जॉय किया, बिल्कुल परेशान नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका बहुत अच्छी तरह से वार्म वेलकम हुआ यहाँ पर आदिवासी हेयर ऑयल की टीम की तरफ से, उन्होंने के लिए स्पेशली एक डांस परफॉर्मेंस भी की थी यहाँ पर, देखिए रूहान को भी उनको भी छोटा सा ऐसे हार पहनाया था वेलकम के लिए, और रूहान में जो है डांस वगैरह बहुत इन्जॉय किया। और तो बस आज का दिन उन्होंने जो वहीं पर जाकर उन्होंने टाइम स्पेंड किया था, अब नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेंगे कि वहाँ पर उन्होंने क्या क्या एक्सप्लोर किया बैंगलोर में, और वहाँ पर दीपिका बता रही थी कि उन्हें पैलेस और बाकी जो म्यूजियम